हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका भारत एक मौज में। माफ़ी चाहता हूँ, आने में बहुत देरी हुई है। नवंबर का महीना कुछ ऐसा ही है, एक तो त्यौहार, ऊपर से पोल्यूशन। पहले तो बिहार इलेक्शन के चक्कर में वो ध्यान उधर बैठा रहा कि भाई इलेक्शन के बाद एपिसोड करेंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद समझ में ही नहीं आया, वो इतना क्लोज चलता रहा काफ़ी दिन, तो क्लियर ही नहीं हो पा रहा था भाई हो क्या रहा है। फिर दिवाली आ गई और दिवाली में फिर पॉल्यूशन ने थोड़ा सा घेर लिया, और उसके बाद जो है मुझे वो मैं बीमार हो गया, तो मुझे डर बैठ गया मेरे जहन में कि कहीं कोरोना वायरस ने मेरे दिल में तो घर नहीं बना लिया है। उस चक्कर में मैं हफ्ते भर अपने आप को रोके रखा, लेकिन थैंकफुली वो कोरोना वायरस तो नहीं था। अब मैं थोड़ा ठीक हुआ तो अब मैं आके कर रहा हूँ, लेकिन इस दौरान बहुत कुछ हो गया। देखो, अमेरिका में ट्रंप अंकल हार गए, लेकिन हार नहीं मान रहे हैं। उनकी हार का मुझे असली जिम्मेदार, उनको पता नहीं असली जिम्मेदार ना, या इंडिया में बैठे हुए इन्होंने जो हवन कराए थे ना कि ट्रंप जीतने के लिए, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने हवन, पूजा अर्चना और जो 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 आडंबर होते हैं वो सब करे थे कि ट्रंप वहाँ पे जीत जाए। पता नहीं क्यों, मतलब कनेक्शन क्या, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन अगर इन्होंने हवन और पूजा सच्चे मन से कराई होती तो आज ट्रंप अंकल की ये हालत नहीं होती। वो मतलब अपने घर से खींचने की स्थिति में, मतलब खींच खींच के निकालने की स्थिति में ना होते, आज वो जीत चुके होते। सच्चे मन से किया जाए तो वो हवन कबूल होता है, इन्होंने सच्चे मन से नहीं किया। और ट्रंप को घर से निकालने के खींचने की स्थिति से मुझे एक और बंदे की खींचने की स्थिति याद आई, अर्णब गोस्वामी, जिसको इस दौरान ये भी हुआ था, जब उसको पुलिस अरेस्ट करने आई तो जाने से इंकार करा, उसको खचेड़ खचेड़ के खींच खींच के घर से निकाल रहे हैं। ये वो आदमी है जिसने इतने सारे बेगुनाहों के घरों में पुलिस पहुंचाई है, और वो बेगुनाह होने के बावजूद भी बहुत ही शालीन तरीके से, बहुत ही तमीज से पुलिस के साथ कोऑपरेट करके आसानी से उनके साथ बैठ के चले गए, और कोई कंप्लेन नहीं करी, कोई गाड़ी में बैठ के रो रो के चिल्लाए नहीं। ये भाई साहब अपने स्टूडियो में बैठ के बब्बर शेर की तरह दहाड़ते हैं, और बाहर ये भीगी बिल्ली बन गए। तो इसी से पता चलता है कि भैया क्या किस किस्म के जर्नलिस्ट, नेशन वांट्स टू नो, जब ये करते हैं तो इनको सबसे पहले अपना सेफ एनवायरनमेंट चाहिए। अगर इनको सेफ एनवायरनमेंट से बाहर निकाला, पहले तो निकलेंगे नहीं, इनको खचेड़ के निकालना पड़ेगा, और निकालने के बाद ही कंप्लेन करेंगे कि मुझे मारा गया, मुझे क्या। लेकिन अच्छी बात है, उनकी बेल हो गई, अब वो बाहर आ गए। पर्सनल लिबर्टीज का मामला था, क्योंकि उसी की तो पर्सनल लिबर्टीज है इस कंट्री में, और किसी की तो बची नहीं है। और इस चक्कर में वो बेचारा कुणाल कामरा, उसने ट्वीट मार दिया और उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग गया। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई साहब, तो ये भी कहना बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ेगा, कानून अंधा होता है, क्योंकि ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है। कोर्ट की इज्जत करें, और ये फिल्में बनी थी ना पहले, अंधा कानून वगैरह, इनको देखना बंद करें, क्योंकि आज अगर बनी होती ना तो सब अरेस्ट होते, सबके सबको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता। उस फिल्म में रजनीकांत, हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन और साउथ के प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने वो फिल्म बनाई थी, अब तो मुझे नाम याद नहीं, शायद टी रामा राव और पता नहीं कौन कौन थे, सब पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता। तो आप भी जबान पे थोड़ा लगाम दें। दोस्तों, बिहार के चुनाव हो चुके हैं, और सुशांत सिंह राजपूत को सपोजिटली इंसाफ मिला या नहीं मिला ये तो किसी को पता नहीं है, लेकिन जितने भी ये ट्विटर हैंडल्स और जस्टिस फॉर SSR टाइप पेजेस और साइट्स और यूट्यूब चैनल्स वगैरह खुल गए थे, ये अब अपना काम पूरा कर चुके हैं और गायब हो चुके हैं, और कुछ तो इनमें से पकड़े भी गए कि उन्होंने इसमें पैसे भी बनाए हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ की लड़ाई का परसेंटेज कितना था और बिहार इलेक्शन का परसेंटेज कितना था, ये जग जाहिर हो चुका है। समझने वालों को तो पहले ही पता था, जो ना समझे थे, जो अनाड़ी थे, उनको अब थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसके पल्ले अभी भी कुछ नहीं पड़ा होगा। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिला या नहीं मिला, लेकिन अगर किसी की मेंटल हेल्थ कंडीशन की वजह से, सुसाइड की वजह से किसी की मौत हो जाती है, और हमारा जो मुल्क है वो इतना सेंसिटिव हो गया है इस मामले को लेके कि इतने सारे पेजेस बना दिए, जस्टिस फॉर SSR टाइप्स, इतने सारे ट्विटर हैंडल बना दिए, जिन्होंने एक किस्म की जंग छेड़ दी थी कि जब तक ये इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक वो चैन से बैठेंगे नहीं। इस चक्कर में लड़ाई बॉलीवुड के किन किन घरों में पहुँच गई, फिर वो बाद में ड्रग का चक्कर बन गया, फिर कुछ और हो गया। अगर ये लोग इतने ही सेंसिटिव हैं तो मैं इन्हीं सारे वॉरियर्स को ये बताना चाहता हूँ कि 2016 से लेके अब तक जो CRPF के जवान हैं उनके सुसाइड रेट में 55% का इजाफा हुआ है, मतलब 55% सुसाइड जो है बढ़े हैं 2016 से लेके आज तक। ये CRPF के जवान हैं, ये वो जवान हैं जो सबसे मुश्किल परिस्थिति में काम करते हैं और अपनी जान पे खेलते हैं, और
जैसे कि हम देख ही रहेंगे पिछले कुछ सालों में हम जवानों की जो वेलबींग है उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो गए हैं। तो मैं इन वॉरियर से कहना चाहता हूँ कि जितनी शानदार मुहिम आपने सुशांत सिंह राजपूत के लिए छेड़ी थी, वैसी कि उसी फ्लेवर की एक मुहिम आप ये सीआरपीएफ के जो बहादुर जवान हैं, मजबूर जवान हैं, जो मेंटल सिचुएशन की डिटेरिएट होने की वजह से जो आत्महत्या कर रहे हैं और जिसमें 55% की बढ़ोतरी हुई है, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं। माना कि कोई इलेक्शन नहीं है आसपास, लेकिन ये तो जवान है ना, इनके बारे में तो आप कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हैं, तो प्लीज़ इस पे भी ध्यान दें और इसके बारे में भी ज़रा पेजेस बनाएं और ट्विटर हैंडल बनाएं एंड जस्टिस फॉर सीआरपीएफ जवान करके एक मुहिम और हैशटैग चलाएं और इन जवानों को इनकी जो परिस्थिति है इससे बाहर निकालने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है। दोस्तों, सर्दियां आ गई हैं, नवंबर का महीना चल रहा है और वही फैमिलियर चीज़ों का सामना हमें करना पड़ रहा है। एक तो कोरोना वायरस तो है ही है, लेकिन नवंबर आते ही पोल्यूशन का भी प्रकोप दिल्ली जैसे शहर पे खास तौर पे आ जाता है और वो प्रकोप फिर से आ गया है। और इसी दौरान दिवाली का भी मौसम होता है और ये कहा गया मतलब कोर्ट्स के द्वारा और जिम्मेदार लोगों के द्वारा जो एनवायरनमेंट के बारे में, बुजुर्गों की बच्चों की हेल्थ के बारे में थोड़े से कंसर्न है कि भाई ये आप ये क्रैकर्स बर्स मत करें क्योंकि पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। जायज सी बात है, जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया जो है पोल्यूशन को लेके चिंतित है। लोगों ने दुनिया भर में ऐसी ऐसी कम्युनिटीज बना के रखी हुई हैं जो अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से मुक्त कराने के लिए नाना प्रकार के मुहिम चला रहे हैं। कोई कोई प्लास्टिक के खिलाफ चला रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के खिलाफ चला रहा है। हमारे यहाँ क्रैकर्स की वजह से पोल्यूशन हो जाता है, ये जाहिर है, सबको दिखता है और बुजुर्गों को दिक्कतें होती है, बच्चों को दिक्कतें होती हैं, लेकिन इसमें हमारे कुछ जो है अलौकिक महानुभाव लीडर्स हैं जो इसमें धर्म लेके आ गए। पोल्यूशन और धर्म का क्या मैथमेटिक्स है? कोई मैथमेटिक्स है ही नहीं, एक सिंपल सी बात है। पोल्यूशन है वो जो आपकी पॉपुलेशन के लिए, आपके खास तौर पे जो वल्नरेबल तबका है आपकी सोसाइटी का जिसमें बच्चे और बूढ़े आते हैं और अब तो सभी लोग आने लग गए हैं धीरे धीरे, उन सबको दिक्कत होती है, सबको बीमारियां होती हैं और ये जगह जहरीली गैस से भर जाती है। इसमें जब ये कहा गया दिल्ली में खास तौर पे कि पटाखे नहीं बजेंगे, तो कपिल मिश्रा सरीखे नेता जो हैं, जो कुछ टाइम पहले आम आदमी पार्टी में ही थे, वो अब बीजेपी में हैं, उन्होंने जो है ना ऐलान कर दिया कि हिंदू धर्म पे तो ये हमला है। पता नहीं हर चीज़ इनको हिंदू धर्म पे हमला लगती है। आजकल हिंदू धर्म बहुत खतरे में है क्योंकि रीज़न क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अब तो खतरे में कतई भी नहीं होना चाहिए हिंदू धर्म। ये पिछले कुछ सालों से ही क्या हो गया, हिंदू धर्म को सडनली खतरे में आ गया। उससे पहले तो खूब फल फूल रहा था, अब हिंदू धर्म खतरे में हो गया है, तो धर्म को बचाने के लिए हम तो क्रैकर्स फोड़ेंगे। ये लॉजिक क्या है? ये लॉजिक मेरे को कोई समझा दे कि हम धर्म को बचाने के लिए और हिंदू धर्म पे हमला है ये, कि अगर हम क्रैकर्स, पहली बात तो ये है कि दिवाली में क्रैकर्स की परंपरा तो अभी रिसेंट है यार, कोई ज्यादा पुरानी भी नहीं है। उस वक्त की, जिस वक्त की कहानी है, जिस वक्त के हमारे ग्रंथ में ये लिखा गया है, उस वक्त की दिवाली में कौन रॉकेट और चरखी और सुतली बम और वो अनार वगैरह छोड़ता था यार? ये तो रीसेंट इजाफा हुआ है हमारी संस्कृति में जिसको आपने धर्म का हिस्सा बना दिया है। बट दैट असाइड, एक सिंपल सी बात है, इस बात को समझना कितना मुश्किल है कि आज की डेट में दिल्ली में एक्यूआई लेवल इतना हाई चला जाता है कि मशीन के पास वो कैलिब्रेशन भी नहीं है कि उस एक्यूआई लेवल को मेजर कर सके। और इसमें हमारे लीडर्स, लीडर्स कहते हैं वो लोग जो लीड करते हैं, उनको उनको कहा जाता है कि वो समाज को एक डायरेक्शन में लेके जाएंगे और वो डायरेक्शन यूजुअली एक सभ्य समाज में आगे की तरफ होती है। मतलब जितना आप संपन्न और जितने ज्यादा इवॉल्व आप आज हैं, उससे ज्यादा इवॉल्व आप आगे अगले दिन हो, तो वो लीडर्स का काम होता है कि वो पूरे समाज को उस डायरेक्शन में लेके जाए। लेकिन ये कपिल मिश्रा टाइप लोग ना ये पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं कि जितने इवॉल्व आप आज हो उससे भी ज्यादा इवॉल्व हो जाओ, चाहे पॉल्यूशन में जहरीली गैस खा के सूंघ के आप मर जाओ लेकिन पटाखे छोड़ना शुरू करते रहो। मैं बता रहा हूं, ये कपिल मिश्रा वही है जो कुछ टाइम पहले आम आदमी पार्टी में थे और आम आदमी पार्टी में रहते हुए ये बीजेपी की धज्जियां उड़ाते थे, अब ये बीजेपी में आ गए हैं तो इनका टोटल परिवर्तन हो चुका है। तो इनका जो मॉरल स्टैंड है, इनकी जो पॉलिटिकल एथिक है, वो क्या है, वो जग जाहिर है। और मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, इनके वीडियोस हर जगह मौजूद है, इनके ट्वीट्स भी हर जगह मौजूद है। जब ये आम आदमी पार्टी में थे तब ये क्या बोलते थे और अब ये क्या बोल रहे हैं, मतलब अपनी पॉलिटिकल एंबिशन को इतना जो है इन्होंने विकृत बना के रखा हुआ है इस टाइप के लोगों ने कि आप इनको लीडर कहने में भी मेरे को शर्म आती है। क्योंकि वैसे तो ये चुनाव भी हार गए थे ये भाई साहब, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी मुहिम नहीं छोड़ी है, मुंह से जहर उगलना नहीं छोड़ा। अभी 3-4 दिन पहले
पाकिस्तान में एक बहुत ही जहरीला सांप था, खादिम रिजवी करके एक मौलाना, जो मुंह से जब भी मुंह खोलता था आग उगलता था, जहर उगलता था, और तोड़ने की बातें करता था, कभी जोड़ने की बातें नहीं करी उसने। और हर टाइम उसने अहमदीज के खिलाफ और माइनॉरिटी के खिलाफ हर टाइम उसे जहर निकाला है। उसकी आप डायलॉगबाजी सुन लें और कपिल मिश्रा की सुन लें, आपको दोनों में कोई फर्क नहीं आएगा। यहां तक कि ये अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको जहरीली हवा आपके जिस्म में जा रही है उसको रोकने के लिए ये नियम बनाया है, ये गुजारिश करी गई है कि कृपया पटाखे ना फोड़ें, लेकिन आपने वो भी नहीं मानना है, तो इसको कहते हैं कि कुल्हाड़ी पे पैर देके मारना। ये तो वो बात होगी कि कल को अगर कोई इस तरह का एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, कोर्ट अगर ये निकाल देगा, कोई सरकार ही कहने लग जाए कि भाई जो हिंदू लोग हैं ना वो सिगरेट नहीं पियेंगे क्योंकि सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो ये तो मोर्चा निकाल देगा, नहीं हम तो पियेंगे तो हिंदू धर्म पे हमला है। ये कैसा लॉजिक है दोस्तों? एक नई जिहाद इस देश में चालू हो गई है जिसको कहा जा रहा है कि लव जिहाद, जिसके अंतर्गत ये माना जा रहा है कि जितनी भी हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़कों से प्रेम विवाह करती हैं, लव मैरिज करती हैं, तो वो एक्चुअली में एक जिहाद का हिस्सा है। मुसलमान लड़के उनको बहला के बरगला के लेके जा रहे हैं, और हिंदू लड़कियां इतनी बेवकूफ़ हैं, इतना दिमाग उनका कम चलता है और इतनी असक्षम हैं अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने में, चाहे कोई भी उम्र हो उनकी, कोई भी उनको बहला फुसला के अपने साथ लेके जा सकता है, और इसको नाम दिया जा रहा है लव जिहाद का। कहाँ पे हो रही है, इसकी बैटल फील्ड क्या है, ये मुझे तो पता नहीं है, मैंने तो कभी देखी भी नहीं कि कहीं पे ऐसा हुआ है। तो ये मतलब बेसिकली है क्या कि ये लेजिस्लेशन ये कह रहा है कि हिंदू लड़कियां अपनी मर्जी से मुसलमान से शादी करेंगी तो उसकी इजाज़त नहीं, उसका इन्वेस्टिगेशन होगा कि भाई माँ बाप को बताया जाएगा कि भाई आपकी लड़की ऐसे कर रही है, क्या आप इसकी इजाज़त देते हैं? ठीक है, वहीं पे हिंदू लड़कियां और हर धर्म की लड़कियां ये कहते कहते चिल्लाते चिल्लाते, हिंदुस्तान भर की फेमिनिस्ट कहते कहते चिल्लाते चिल्लाते ये बुढ़ी हो चुकी हैं कि एक लेजिस्लेशन जो है ना मैरिटल रेप के खिलाफ भी आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आता है। मतलब लड़की की मर्जी से शादी हो तो इनको प्रॉब्लम है, और लड़की अगर मना करे कि मैरिटल रेप का हिस्सा मुझे नहीं बनना है तो इनको प्रॉब्लम है। मतलब लड़कियों को इन्होंने, औरतों को इन्होंने समझा क्या हुआ है कि ये मिट्टी की माधव है, कि कोई भी इनके साथ कुछ भी कर सकता है, और ये माँ बाप से पूछने का क्या क्या नाटक है? ये तो अगर हिंदू धर्म के अंदर ही दूसरी कास्ट में शादी करें तो माँ बाप तो अलाउ नहीं करते यार, तो भी कत्लेआम हो जाते हैं हमारे, जिसको ऑनर किलिंग कही जाती है, और आप कह रहे हो कि दूसरे धर्म में अलाउ कर देंगे? मतलब एक एडल्ट है जो वोट दे सकता है, आपको इलेक्ट कर सकता है, आपको चूज कर सकता है, वो अपना लाइफ पार्टनर नहीं चूज कर सकता, और आप लोगों की जाती जिंदगी में क्यों घुस रहे हो? मतलब अभी ये टीना दाबी और अतहर अली खान, दो आईएएस ऑफिसर्स, उनका डिवोर्स हो रहा है और लोग अजीब अजीब किस्म की थ्योरी बना रहे हैं। मतलब कपिल मिश्रा जी ने तो ये ट्वीट भी कर दिया कि किसी के डिवोर्स में खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन खुशी इस बात की है कि एक बेटी जिंदा वापस आ गई है। आप क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला बने? और कितनी बेटियां ऐसी हुई हैं जिन्होंने अलग धर्म में शादी करी है, मुस्लिम धर्म में शादी करी है, और वो वहां पहुंच पहुंच के ही मारी गई हैं। आप किस किस्म की बातें, मैंने कहा था ना वो खादिम रिजवी की बातें सुनना पाकिस्तान में और इनकी बातें सुनना, दोनों में कोई फर्क आपको नजर नहीं आएगा, दोनों ये उधर के हैं, ये इधर के हैं, और फिर ये बट फर्क ये है कि ये एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी माना जाता था ये कंट्री, लेकिन यहाँ पे भी खादिम रिजवी पैदा हो गए। एक सवाल सिंपल सा ये है कि जिस धर्म के अंदर कास्ट के बेसिस पे ज्यादा लड़कियां मारी जाती हैं, उस धर्म के अंदर क्या मॉरल अथॉरिटी है कि वे दूसरे धर्म को वो ये बोले कि भाई तुम्हारे अगर हमारी लड़की की शादी होगी तो तुम उसको मार दोगे? इसका कोई डेटा नहीं है, इसकी कोई स्टेटिस्टिक्स नहीं है, इसका कोई भी सबूत नहीं है, ये सिर्फ एक कम्युनिटी को विलिफाई करने के लिए और औरतों को उनके हक से महरूम रखने के लिए, ये लव जिहाद नहीं है, ये एक मैन्युफैक्चर्ड कॉन्वोल्यूटेड पॉलिटिकल जिहाद है जो आपको पता है कौन लोग कर रहा है, और ये मेरे और आपके ऊपर है कि अपनी जाती जिंदगी में इन लोगों को घुसने देना है या नहीं देना है, और इस बात में कितनी सच्चाई है ये ढूंढना बड़ा आसान है, और ये हम लोगों का ही काम है, हमें ही करना पड़ेगा। प्लीज करें, क्योंकि कल ये आपके बेडरूम में भी घुसेंगे। बात करते हैं आप लव जिहाद की, जो मुस्लिम लड़कों ने हिंदू लड़कों के ऊपर, हिंदू लड़कियों के ऊपर करी हुई है। मैं ये पूछ रहा था, अभी मैंने एक खबर पढ़ी कि मैसूर में मल्लिकार्जुन शेट्टी करके एक बार्बर हैं और उनको इसलिए बॉयकॉट करा जा रहा है, उस गांव की जो अपर कास्ट कम्युनिटी है, हिंदू अपर कास्ट कम्युनिटी इसलिए बॉयकॉट कर रही है कि उसने SC ST और OBC के बाल काटे। अब आप मेरे को बताएं, मेरे देश के काबिल बुद्धिजीवी पॉलिटिशियन, स्पेशली कपिल मिश्रा सरीखे लोग, आप मुझे ये बताएं कि ये किस किस्म की जिहाद है कि एक आदमी को अपना काम करने के लिए इसलिए सोशली बॉयकॉट करा जा रहा है, उस पर फाइन भी लगाया गया कुछ 50,000 रुपए का, कि आप क्यों SC ST
और ओबीसी के बाल काट रहे हो, इस जिहाद पे आपका क्या कहना है जो आपके ही धर्म के अंदर आपके ही धर्म के लोग आपके ही धर्म के लोगों के ऊपर कर रहे हैं? कृपया इस जिहाद पे भी थोड़ी रोशनी डालें, क्योंकि अनलाइक योर लव जिहाद, जिसके पास जिसकी आपके पास कोई स्टेटिस्टिक्स और कोई प्रूफ नहीं है, इसकी स्टेटिस्टिक्स और इसकी प्रूफ आपको डेली मिल जाएंगी, हजारों की तादाद में आपके आसपास ही होते हुए दिख जाएंगी। तो क्यों ना उस पर थोड़ा उस इस इकास जिहाद जो है इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और लव जिहाद को रहने दें, क्योंकि दुनिया की किसी भी प्रोग्रेसिव सोसाइटी में किसी भी मुल्क में कोई किसी की पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देता है। ये सरकार तो मिनिमम गवर्नेंस की बात करती थी, ये तो हमारे घर में ही घुस रही है, ये हमारे घर में ही बोलेगी तुम किससे शादी कर सकते हो किससे नहीं कर सकते, ये तो इन्होंने वादा नहीं किया था। तो आप ये जो काज जिहाद आपके ही अपने धर्म में है इस पे इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें तो देश का थोड़ा भला होगा और लोगों का थोड़ा भला होगा। और दिल्ली वालों और देश के बाकी लोग भी, खास तौर पे दिल्ली वालों को बोल रहा हूँ, प्लीज लगा लो मास्क यार, 2,000 रुपये का चालान है, ऐसा क्या बिगड़ जाएगा आपका मुंह पे मास्क लगा के घूमोगे? सोचो उन लड़कियों के बारे में जो सारी जिंदगी पर्दा करके घूमती रहती हैं, मुंह ढक के घूमती रहती हैं, क्योंकि उनको खतरा होता है कि कहीं को उन पर फप्ती ना कस दे, फप्ती तो फिर भी कसी जाती हैं। तो आप भी अगर मास्क लगा लोगे तो आपका कुछ घिस नहीं जाएगा, नाक के नीचे नहीं ऐसे नाक के ऊपर लगाओ, वरना 2,000 रुपये का आपका चालान होगा, आपकी जेब हल्की हो जाएगी खाम का, क्योंकि अगर आपने मास्क नहीं लगाया और फिर ये जो बड़ा ढीठ किस्म का वायरस है ये चिपक गया आपके ऊपर आके, तो और मतलब ऐसा ना हो, मतलब भगवान ना करे कि आपकी जो स्थिति है वेंटिलेटर तक अगर पहुंच गई तो वेंटिलेटर तो यहाँ पे नहीं, वो अंदर घुसड़ता है पूरा का पूरा, और वो कितना पेनफुल होता है और कितना वायलेटिंग होता है वो, उसके आगे मास्क तो कुछ भी नहीं है। तो मास्क लगा लो, 2,000 रुपये भी बचेंगे और बहुत सारी और परेशानियों से बच जाओगे, आपके भले की बात हो रही है यार ये कोई इसमें। और इसमें प्लीज धर्म ना लेके आए, क्योंकि धर्म का इससे कोई लेना नहीं, वो वायरस को धर्म वर्म को कोई लेना देना नहीं है, वो सबके चिपकेगा। मास्क लगाएं, सुरक्षित रहें। तो दोस्तों ये था इस बार का भारत एक मौज। और क्यों भारत एक मौज है, कहते हैं पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स, तो मैं ज्यादा ना बोल के आपको एक तस्वीर के साथ छोड़ के जा रहा हूं, उस तस्वीर को देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों भारत एक मौज है। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। रे जनता ऊंच नीच के पापड़े में लड़ते पड़ते गोल, फिर भी बाज ना आए बंदर बाट के झोल, संत मंत्री पुलिस कलेक्टर सभी खड़ा माडोल, ज्ञान में खोट ना आए भारत एक मौज। रे पीटी उसा पीछे छोड़े मलिया मोदी मेल, चौकीदार जो दिन में सो गया बन गए देश की रेल। अरे चटनी एक ऐसी भैया स्वाद सभी सभी रोल, मजे में फिर भी ले चटकारे भारत एक मौज। अरे चढ़ी गई खजूर पे और मौसम हो गया है सोस, महाभारत के काल में हो गई इंटरनेट की खोज, पहलू का सिमर अकबर मांगे जान के भिक्षा रोज, अरे काठ के उल्लू बन गए राजा भारत एक मौज। अरे मन की बात करे अरे संडे बिना किसी के रोक, कुछ भी बोले लो आ गई जन कीड़ों की फौज। अब देश में पढ़ना लिखना हो गया टैक्स पेयर पे बोझ, पर कावड़ियों पे फूल की चादर भारत एक मौज। अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज। Thank you.